स्वागत है विपिन सेना इंग्लिश क्लास में। एक बार फिर से वोकैब सेक्शन में जहां आप सीख रहे हैं हर वर्ड का उच्चारण के साथ उसका अर्थ, और फिर चार ऑप्शन में से कोई एक जो सिनोनिम है, चार ऑप्शन में कोई एक जो एंटोनिम। तो बस आप डेली हमारे साथ जुड़ते रहे और इसी तरह से आप हमें कुछ कमेंट करके बताएं और क्या आपको चाहिए। पहला वर्ड है फ्लोरेसेंट, देखिए यहाँ उच्चारण भी है फ्लोरेसेंट, इसका मतलब हुआ चमकीला, चमक थमक। अब इस चार में से कोई एक है जो वर्ड को दिखाता है चमकीला का। तो पहला वर्ड है इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। सेकेंड नंबर है फ्लावरी, सजावटी, फ्लावर से सजा दिया गया। परफ्यूम सुगंधित, और ग्लोइंग का मतलब प्रकाश से युक्त। तो यहां पर है चमकीला, तो चमकीला का वर्ड क्या हुआ प्रकाश से युक्त यानी ग्लो करता है। उत्तर नंबर होगा चार। क्वेश्चन नंबर दो, सिनोनिम है ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब सुशोभित करना, शानदार, बहुत ही बढ़िया। तो जो शानदार है बहुत बढ़िया है, अब इसमें से कोई एक वर्ड होगा एलिगेंट, माने आपकी रुचि के अनुसार, सुरुचिपूर्ण। डेंजरस खतरनाक, प्लीजेंट है सुहावना है, और फ्रेंडली माने दोस्ताना। तो आपके पास एक ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल का मतलब क्या हुआ सुहावना, हाँ शानदार, सुशोभित। इसलिए हमारा उत्तर बनेगा नंबर तीन। आगे वर्ड है एंटोनिम, एंटोनिम में वर्ड है फ्लिमसी, फ्लिमसी, फ्लिमसी का मतलब हुआ कमजोर। तो कमजोर का उल्टा होगा उल्टा मजबूत, हाँ। अब यहां से देखते हैं, पहला ही वर्ड है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ मजबूत, यही इसका एंटोनिम हुआ। क्योंकि वीक माने कमजोर, टीनी माने छोटा सूक्ष्म, क्लम्सी माने भद्दा और बेकार, तो ये तीनों होगा नहीं। इसका उत्तर होगा नंबर एक यानी स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर चार, एंटोनिम है डिफेंस, डिफेंस का मतलब बचाव करना। जब हम कहते हैं बचाव करना तो बचाव करने का, रक्षा करने का वर्ड उल्टा यानी किसी को रक्षा नहीं करना। तो पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है रक्षा, किसी को रक्षा करना। सेकेंड है ऑफेंस, ऑफेंस माने अपराध कर, किसी को अपराध में डालना। सिक्योरिटी माने सुरक्षा, बचाव सुरक्षा एक हो गया। गार्ड माने रक्षा कर, यानी ये और ये हो गया सिनोनिम। तो बचा क्या दो नंबर, किसी का बचाव करना और किसी को अपराध में डालना। उत्तर नंबर होगा दो। क्वेश्चन नंबर अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव एंड अनअफेक्टेड बाय अदर पीपुल्स ओपिनियन सजेशंस, यानी एक व्यक्ति जो किसी की बात को नहीं मानता है वह अनअफेक्टेड है, हाँ ज्यों कहते हो सुरक्षा या मत को नहीं मानना या ज्यों कहते हो रहना। अब ज्यों कहते हो रहने का वर्ड कौन सा इसमें होगा देखिए ध्यान से। पहला वर्ड है इरेस्पॉन्सिबल, अनुदाय अनुत्तरदायी, जो रेस्पॉन्सिबल नहीं लेता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। अनरिलायबल अविश्वासी, जिसमें विश्वास की कमी हो। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट माने असभ्य। और लास्ट है इम्परवियस माने अवैध। तो जब सुरक्षा मत को नहीं मानता है यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले पाता है तो उसका वर्ड क्या होगा इरेस्पॉन्सिबल, हाँ इरेस्पॉन्सिबल का मतलब जो सुरक्षा या किसी की बातों को नहीं मानता है, ज्यों का त्यों रहता है, उसको हम लोग कहते हैं इरेस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे है अ बोट और शिप, अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एज अ रेगुलर सर्विस, छोटा जहाज, हाँ छोटा जहाज, और जो 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 हर समय आदमी या सामान को कम दूरी की सेवा देता हो, कम दूरी की सेवा देता हो, यानी छोटे जगह में
एक जगह से दूसरे जगह छोटा जहाज के द्वारा पहुंचा देना, उसको हम लोग कहते हैं फेरी। क्या बोलते हैं भाई? फेरी। हाँ, क्योंकि डिंगी का मतलब होता है छोटा नौका केवल। सब मरीन माने पनडुब्बी, और फ्राइटर का मतलब माल ढोने वाला नौका, केवल माल जो ढोता है। लेकिन फेरी का मतलब आदमी को भी माल को भी दोनों को छोटे जगहों पर पहुंचाना। इसलिए हमारा उत्तर होगा नंबर दो। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज, कहता ओवर द मून, अति प्रसन्नता। ओवर द मून, बड़ी प्रसन्न होना, खुश होना। एक्सट्रीमली हैप्पी, क्या वर्ड होगा? एक्सट्रीमली हैप्पी। क्योंकि दूसरा वर्ड है हाईली इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव मतलब केवल कल्पना। एम्बिशियस का मतलब लक्ष्यवान होना, और अनरियलिस्टिक माने बेकार की बात, कुतर्क। इसलिए उत्तर होगा नंबर एक। कॉपी कैट करता है, नकल करता है, जैसा वो कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कॉपी कैट। तो कॉपी कैट का वर्ड क्या होगा? वन हु इमिटेट्स अनदर क्लोज, जो दूसरे की नकल करता है उसको कहते हैं नकल कर। यानी उत्तर होगा नंबर दो। नेक्स्ट है आपका मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी इनकरेक्ट वर्ड खोजना है। तो डेकोरेटिव सजावटी, ये बिल्कुल सही है। यहां पर देखो एलेबोरेट, बढ़ा चढ़ा कर कहना, विस्तार करना, बिल्कुल सही है। यहां पर है ऑर्नामेंटल, सजावटी, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्स्ट्रा वैगेंट, ई एक्स टी आर ए वी ए जी ई एन टी न होकर ए एन टी होगा, खर्चीला। उत्तर अमर होगा दो। हाँ, खर्चीला का दो नंबर। नेक्स्ट है इनकरेक्ट वर्ड खोजना है। पर्सुएशन, किसी को राजी करना, प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है। इरनस, हाँ देखो ओरनियस, हाँ ओरनियस का मतलब होता है गलत, त्रुटिपूर्ण। और सीनिक माने रंगमंच से संबंधित, लेकिन हमारा एब्सेंस में ए बी एस ई एन सी होता है, इसलिए एस के जगह पर सी होगा, अनुपस्थिति। उत्तर हमारा होगा कौन सा? नंबर। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपको चाहिए उसको कमेंट करके बताओ। मैं रोज उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन कौन लड़के कमेंट कर रहे हैं, वही चीज आपके लिए मैं लाकर आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।